जोराम में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई संपन्न। प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस एवं मुरैना जिले के प्रभारी सचिव मुकेश चंद गुप्ता ने ब्लॉक स्तरीय बैठक नगर परिषद जरा के सभागार में संबोधित करते हुए कहा कि अब जिले में कोविड के मरीज बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन को अब आगे बढ़ाना संभव नहीं। हम सभी को कोविड पर सख्ती से प्रतिबंध व लोगों को घरों में रोकने की पहल करनी चाहिए। यह बात उन्होंने रविवार को जोरा मुख्यालय पर ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। इस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में जिला कलेक्टर बक्की कार्तिकेय, एसपी ललित शाक्यवार, चौरा विधायक सुबेदार सिंह राजौदा, भाजपा मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता, एसडीएम सुरेश वराहदिया, तहसीलदार कल्पना शर्मा, सीएमओ बालकृष्ण गौरव एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी सचिव मुकेश चंद गुप्ता ने कहा कि जिले में अब कोविड के केस बढ़ने नहीं चाहिए, इसके लिए हम सभी को आने वाले दिनों में सतर्कता बरतनी होगी और कोविड 19 के शासन के सभी नियमों का पालन करना होगा। ग्रामीण स्तर पर जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसे घर पर न रखते हुए उसे तत्काल ट्रिपल सी में रखा जाएगा, इसमें परिवार के अन्य लोगों को संक्रमित न कर सके। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रेरित करें। प्रभारी सचिव ने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। जो लोग नहीं लगवा रहे उन गाँव को सूची बनाकर तैयार करें और सूची को जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं। सूची के आधार पर ग्रामीणों को जनप्रतिनिधियों में मोटिवेट करने में लगे तो लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएंगे, अपना जिला पूर्ण रूप से कोविड 19 से मुक्त हो जाएगा। मुरैना से सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट।